लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मैं जो भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो सारे प्रॉपर्टीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे भी। क्लियर? तो पहला प्रॉपर्टी है द टैंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टैंजेंट लाइन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मान लीजिए कि एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं इस लाइन पे, एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से पॉइंट ए। अगर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट करने का मतलब ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट को छू कर जाए, तो ये जो टेंजेंट लाइन जो होगा, ये जो टेंजेंट लाइन जो होगा, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट जो होगा एक देगा डायरेक्शन, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी, बी किसको डिनोट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि ये जो टेंजेंट लाइन जो है, ये टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे। तो ये टेंजेंट लाइन इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब देखिए ये लाइन का डायरेक्शन क्या है? ऐसे है, यानी कि लाइन का डायरेक्शन ऐसे है। तो ये जो टैंजेंट है, इस टैंजेंट में भी हम हेड इधर लगाएंगे। ये हेड इधर क्यों लगाए? क्योंकि ये लाइन का डायरेक्शन इधर है, ये लाइन का डायरेक्शन इधर है। तो ध्यान सुनिए, इस पॉइंट पे जो टैंजेंट हमने जो बनाया है, ये टैंजेंट पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। यानी कि इस टैंजेंट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि पॉइंट बी सॉरी ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी कि इधर है। ये बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है इधर से इधर है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे ए और एक पॉइंट यहां पे मान लीजिए बी, या मान लीजिए इसको पी मान लीजिए। इस पॉइंट पे चलिए अब टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ए रहा टेंजेंट, ये टेंजेंट किस पॉइंट पे है? ए पे है, यानी कि ये टेंजेंट एट ए है। चलिए इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बीटा पॉइंट कर देने वालों, थोड़ा क्लियर हो जाए। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो ए लीजिए, ए ड्रॉ हो गया। ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट पे है? टेंजेंट एट पी, किस पॉइंट पे है? पी। तो ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा कि ऐसे होगा? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि इधर होगा? तो सिंपल, उसके लिए आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का देखिए किस तरह से डायरेक्शन है, ऐसे है। तो इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये इधर लगा हुआ है, तो हम टेंजेंट में भी हम इसी की तरफ ऐसे लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, ऐसे होता, तो हम ये वाला इधर लगा देते ऐसे ऐसे। यानी कि लाइन का जिस तरफ डायरेक्शन होगा, टेंजेंट का भी डायरेक्शन वैसे ही लेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट कैसा था यहां पे? ध्यान से सुनिए, एक एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। लाइन का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। तो पॉइंट पी पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, पॉइंट ए पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ऐसा। अब ये जो टेंजेंट जो ए पॉइंट पे है, ये टेंजेंट ये बता रहा है कि पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये है।
क्या है, ये है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए का ये डायरेक्शन है। ये जो टेंजेंट जो बना हुआ है पॉइंट पी पे, ये टेंजेंट ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट पी जो है वो ऐसा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसी पॉइंट पे वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। यानी कि सिंपल कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के थ्रू, तो क्या कीजिए, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। क्लियर हुआ? और एक बात है कि टेंजेंट जो आप बना रहे हैं उसका हम एरो हेड कैसे दिखाएंगे, तो लाइन जिस तरफ डायरेक्शन होगा उसी तरफ। जैसे फिर से आपको दिखा देते हैं आपको छोटा सा, कि मान लीजिए ऐसे है लाइन और लाइन का डायरेक्शन ऐसे है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, लाइन का डायरेक्शन ऐसे है तो टेंजेंट कैसे हो जाएगा। मान लीजिए पॉइंट क्यू है, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये पॉइंट क्यू का क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। एक काम करते हैं, जो कल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, पूरा तुम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बार मैग्नेट हमने कुछ हमारा ऐसा था साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारा ये था, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या था, नॉर्थ से निकला था और साउथ की तरफ गया था। तो चलिए बना दिए। अब मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से इस पॉइंट ए, इस पे हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो सिंपल क्या कीजिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और ये टेंजेंट पे डायरेक्शन किधर देंगे, लाइन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। लाइन का डायरेक्शन ऐसे है तो इसमें हम ऐसे देंगे। ये जो टेंजेंट बनाया है पॉइंट ए पे, यही टेंजेंट पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये बी ए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, और इसका डायरेक्शन किधर है। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए ये क्यू है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो सिंपल यहां पे क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और इस टेंजेंट में डायरेक्शन किधर देंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो लाइन देखिए ऐसा है, इस लाइन से है, यानी कि ये जो ये टेंजेंट जो है डायरेक्शन बता रहा है पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का। समझ में आ गया, क्लियर हुआ अच्छे से, वेरी गुड। तो पहला प्रॉपर्टीज याद हो गया, क्या हो गया कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कि जिस पॉइंट पे आपको पता करना है उस पॉइंट पे क्या करें, आप टेंजेंट ड्रॉ करें, वही टेंजेंट उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टीज, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द लाइन्स आर क्लोजर टूगेदर। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ जो होगा वहां पे ज्यादा होगा जहां पे लाइन्स ज्यादा क्लोज होगा, यानी कि जहां पे लाइन का ज्यादा क्राउडेड होगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होगा, उस जगह पे ज्यादा पावरफुल होगा। फिर से बोल रहा हूं कि जिस जगह पे लाइन का भीड़ ज्यादा होगा, ज्यादा क्राउडेड होगा, ज्यादा क्लोजर होगा, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होगा। इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है साउथ एंड नॉर्थ पोल, यहां से लाइन निकलता है एंड साउथ पोल के पास आता है, यानी कि नॉर्थ पोल से क्या करता है, इमर्ज करता है। ऐसा ही कुछ होता है।
तो ध्यान से देखिए, एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट से पॉइंट इज ए, और एक पॉइंट हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट से या इस जगह पे कर लेते हैं, लेट से पॉइंट इज ए। क्लियर? ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने बोला कि जहां पे लाइन का क्राउडेड यानी कि ज्यादा क्लोजर होगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिस जगह पे लाइन क्लोजर नहीं होगा, दूर दूर होगा, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। ये पॉइंट आपको रखना याद कि जिस जगह पे लाइन का भीड़ भाड़ यानी क्राउडेड यानी कि ज्यादा क्लोजर होगा, ज्यादा पास पास होगा, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और जहां पे लाइन दूर दूर होगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। अब इसी बेसिस पे हमने क्या किया कि बार मैग्नेट लिया और उसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया। हमने क्या किया कि एक पॉइंट कंसिडर किया यहां पे और एक पॉइंट कंसिडर किया यहां पे। आप लोग देखिए पॉइंट ए जो है ये पॉइंट ए के आसपास में, पॉइंट ए के आसपास में जो लाइंस जो है ये ज्यादा क्लोजर है, ज्यादा सटा हुआ है, ठीक है ना, सटा हुआ है। बट पॉइंट बी के पास लाइन देखिए दूर दूर है, देखिए ना, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर लाइन देखिए दूर दूर है, ये लाइन यहां पे है, ये लाइन इधर है, बट इस जगह पे लाइन जो है ना थोड़ा क्राउडेड है, भीड़ भाड़ ज्यादा है। अब भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा ज्यादा होगा, इस जगह पे कम होगा। इस जगह कम क्यों होगा? क्योंकि यहां पर लाइन दूर दूर है, लाइन क्लोज ज्यादा नहीं है, दूर में है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे लाइंस जो है क्लोजर है, ज्यादा सटा हुआ, ज्यादा पास पास है। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड काम करते इसको पी मान लेते हैं, पी पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए जो होगा बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि यहां पे ज्यादा क्लोजर है। और यहां पे कम क्यों होगा? क्योंकि यहां पे लाइंस दूर दूर है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें एक चीज सीखने को मिला कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि किस जगह मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांगर है और कहां पे वीक है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड ज्यादा होगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जिस जगह पे ज्यादा दूर दूर लाइंस होगा वहां पे वीक होगा। तो देखिए यहां पे ज्यादा लाइंस क्लोजर है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसके कम फील्ड है। इसी पे छोटा सा देखिए क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन ही छोटा सा है, बस दिमाग तौर पे जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये पॉइंट है पी है और ये पॉइंट क्यू है। आपको बताना है कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी कि बताना है कि पी पे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा कि क्यू पे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो सिंपल है सर कि पी जो है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्राउडेड जो है वो ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो इस जगह लाइन्स का क्राउडनेस ज्यादा है, ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा क्लोजर है, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्यू के कंपेरिजन में ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ना उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और अगले क्लास में बताएंगे कि सही है गलत है। क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पहला क्वेश्चन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए इस तरह से आपका जा रहा है,
ये जो पॉइंट है पी है और ये पॉइंट क्यू है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है, ऑप्शन दे दे रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक पॉइंट क्यू, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, सी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज लेस देन क्यू, एंड 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 डी इज नन ऑफ दिस। देखिए एक क्वेश्चन में क्या है सिंपल कि ये पी पॉइंट है क्यू पॉइंट है, आपको बताना क्या है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कि क्यू पॉइंट पे, और इसके अकॉर्डिंग आपको देखकर ये चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर मान लीजिए ए है तो ए तो लिख दीजिए, बी होगा तो बी, सी होगा सी, या डी होगा जो होगा आप लिख दीजिएगा। क्या बताना है समझ में है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन इसी में, ऑप्शन हमारा यही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर टू। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि ये लाइंस जो हमने बनाए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने दो पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट पी एंड एक पॉइंट क्यू, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस जो है वो क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है, यानी कि हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है सेम है, यहां भी डी है यहां भी डी है यहां भी डी है यहां भी डी है, यानी कि ये दोनों लाइन के बीच में हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है इक्वल है, ऐसा नहीं कि यहीं पे डिस्टेंस डी है, यहां भी डी है यहां भी डी है यहां भी डी है, यानी कि यहां भी डी है यहां भी डी है, मतलब हर जगह पे डिस्टेंस क्या है डी है। सिमिलरली इन दोनों लाइंस के बीच में भी जो डिस्टेंस जो है डी है, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितना है डी है, इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या है डी है, यानी कि ये सारा लाइन इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब इक्वल डिस्टेंस पे है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है 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 सबका सब क्या है डी है, यानी कि सब बराबर है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड मैग्नेटिक एट पॉइंट क्यू का रिलेशन क्या होगा, यहां पे ज्यादा होगा कि यहां पे ज्यादा होगा, ये दोनों बराबर होगा कि यहां पे कम होगा कि यहां पे ज्यादा, आप समझ रहे हैं ना, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे कि ये ऑप्शन होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर होगा, वेरी गुड। तो एक चीज समझ में आ गया, इसमें एक और क्वेश्चन दे देंगे यार, चलिए दे देता हूं, चलिए एक और क्वेश्चन दे ही देता हूं, पूरा पढ़ने से कर लीजिए आप लोग। अब यहां पे देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है कैपिटल डी, इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या डी है, इस लाइन और लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है डी है, इसके बीच मतलब इस बार ना
जो भी लाइन्स है सब इक्वी डिस्टेंस में नहीं है, कुछ का डिस्टेंस ज्यादा है, कुछ का कम है, किसी ज्यादा है। अब इस केस में भी आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन होगा, यानी कि इस पे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड कि इस पे ज्यादा होगा, इस पे कम होगा कि इस पे कम होगा, ये दोनों बराबर होगा कि क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना। यानी कि तीन क्वेश्चन आपको हमने दिया प्रॉपर्टीज नंबर टू पे, और तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है सीरियल वाइज, क्वेश्चन वन का ये, क्वेश्चन टू का, क्वेश्चन थ्री का। ये नहीं कि एक को पहले भेज दिए कहीं और आपको खोज रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्लियर होगा यहाँ पे? वेरी गुड। चलिए ये रहा आपका प्रॉपर्टीज नंबर थ्री, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, प्रॉपर्टीज नंबर जो थ्री है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करता है ध्यान सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब इसी को देखिए क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल जाएगा कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यही हमें समझना है, ये तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, बट क्यों नहीं करता है यही समझना है, और इसी यही पूछता भी है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है। तो अब थ्री प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज नंबर थ्री का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लाइन नंबर वन, ये जो लाइन है एक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लिया, एक काम करते हैं एक और लाइन ले लेते हैं, जबरदस्ती कटवा देते हैं ये लाइन नंबर टू। अब देखिए आप लोग बोलिएगा सर आप तो यहां पे लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है और आप जबरदस्ती लाइन को कटवा दिए, यहां पे इंटरसेक्ट करवा दिए हैं, ये पी क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो बताते हैं क्यों करवाए हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये तो बोला है कि करता नहीं है और क्यों नहीं करता है, तो उसके लिए हम करके करवा के देखेंगे ना, कि पहले एक बार करते हैं कटवा के देख लेते हैं, इंटरसेक्ट करवा के देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आया है, अगर वो प्रॉब्लम वैलिड नहीं होगा तो बोल देंगे कि नहीं कट करता है, तो पहले हम कट करवा के देखेंगे। अब देखते हैं कट करवाने के बाद क्या क्या वैलिड होता है क्या नहीं होता है, अगर वैलिड नहीं हो रहा है तो बोल देंगे कि नहीं कट करेगा, बट पहले कट करवा के देखेंगे ना बाबू, इसीलिए हम कट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सर यहां पे बोल रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं करता अब इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, नहीं इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, अगर किया तो क्या प्रॉब्लम आया जिसके बाद कह दिया कि नहीं करेगा, तो जबरदस्ती हम क्या करेंगे कटवाएंगे ना, कटवा के चेक करेंगे ना, इसीलिए हम जबरदस्ती कटवाए हैं और चेक करेंगे, अगर कुछ मान लो वैलिड नहीं हो रहा है उसके बाद बोलेंगे देखिए कट करेगा ना तो ये प्रॉब्लम आएगा इसके वजह से कट नहीं सकता है, दैट्स इट। तो चलो तो हमने दो लाइन कंसीडर किया और दोनों को जबरदस्ती कटवा दिया, मेरा मन कर रहा है क्या करें। अब मान लीजिए पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पे ये लाइन भी और ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट किया, ध्यान से सुनना है यहां, मान लीजिए ये लाइन को कंसीडर करते हैं लाइन नंबर वन, लाइन टू को भूल जाओ फिलहाल के लिए, लाइन टू को क्या करो भूल जाओ, तो एक काम करते हैं कि इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किस लाइन पे लाइन वन पे, लाइन वन पे ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां से देखिएगा ये रहा, ये टेंजेंट का डायरेक्शन किधर दिखाएंगे ये लाइन के डायरेक्शन के तरफ, तो लाइन का डायरेक्शन किधर है ऐसे, तो टेंजेंट का डायरेक्शन किधर होगा ऐसे, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ध्यान सुनिए, ये जो टेंजेंट दो ड्रॉ किए हैं ये इस लाइन पे ड्रॉ किया गया है लाइन वन पे, और किस पॉइंट पे पी पॉइंट पे यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो अभी थोड़ा पहले पढ़े प्रॉपर्टीज नंबर वन में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, यानी कि ये टेंजेंट इस लाइन के लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, तो इसको मान लेते हैं
बी वन, बी वन क्यों माने लाइन वन के लिए, वन के क्रॉसपॉन्डिंग, यानी कि इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दे रहा है, किधर, इधर इस लाइन के अकॉर्डिंग। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ कम टू द सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन आपका देखिए कुछ ऐसे है, तो एक काम करते हैं कि सेकेंड लाइन पे इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सेकेंड लाइन पे इसी पॉइंट पे क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट का डायरेक्शन किधर लेंगे, इधर, क्यों, क्योंकि सेकेंड लाइन का डायरेक्शन क्या है ऐसे, तो टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये जो टेंजेंट जो हमने बनाया है ये टेंजेंट एक्चुअली लाइन टू का है, और टेंजेंट कहां पे पॉइंट पी पे ही है, बट ये टेंजेंट पॉइंट पी पे इस लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दे रहा, इधर दे रहा, तो इसको क्या कर देते हैं बी टू, टू क्यों लिए क्रॉसपॉन्डिंग टू लाइन टू, दूसरे लाइन के लिए क्रॉसपॉन्डिंग बना दिया। तो ध्यान से देखिए ये जो टेंजेंट जो है इसी पॉइंट पे है, बट इस लाइन का टेंजेंट है इस पॉइंट पे, जो कि इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दे रहा है, इधर दे रहा है लाइन वन के अकॉर्डिंग। फिर लाइन टू के अकॉर्डिंग इसी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ किए तो उसका डायरेक्शन किधर दिया, इधर दिया। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि जहां पे लाइन कट किया है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन दे रहा है, एक इधर दे रहा है और एक आपका इधर दे रहा है, यानी कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, वाह जी वाह, यानी कि एक एक गोली से दो शिकार वाली बात हो गया है। ये क्या पॉसिबल है कि एक जगह पे दो डायरेक्शन होगा, यानी कि हम इधर भी देख रहे हैं पीछे भी दिख रहे हैं, वाह जी वाह, यानी कि इधर भी देख रहे हैं हम ऐसे और हम इधर भी देख रहे हैं, वाह। अरे किसी भी चीज का एक ही डायरेक्शन एक पॉइंट पे हो सकता है, दो डायरेक्शन ही हो सकता है। अब चार आंख वाला नहीं ना आदमी है, दो आंख इधर है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, ऐसा थोड़े है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हम मान लो इधर जा रहे हैं तो हम एक टाइम में इधर ही जाएंगे ना, कि नहीं कोई बोले सर आप इधर तो जा रहे हैं, अरे मेरा आत्मा जा रहा हुआ शायद भाई निकल के उधर। सिंपल है, लॉजिक है कि कोई भी चीज का डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक ही हो सकता, दो नहीं हो सकता है, तीन नहीं हो सकता है। बट यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है पॉइंट पी पे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है, यानी कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन। और ये कब मिला, जब हम इंटरसेक्ट लाइन को कराए तब। तो ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जब हम दो लाइन को इंटरसेक्ट कराए तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो दो लाइन के अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो को दिया उसी पॉइंट पे। और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता किसी भी चीज का, मैग्नेटिक फील्ड का तो बात ही अलग है, किसी भी चीज का नहीं हो सकता। तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे दो को दे रहा है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जब नहीं पॉसिबल है तो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, नहीं करता है। ये बात समझ में आई सबको कि ये पॉइंट पी पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, और एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, यूनिक हो सकता है, दो तीन चार नहीं हो सकता है, जबकि यहां पे दो डायरेक्शन दे रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब इसी का कंक्लूजन निकले जा रहे हैं कि एट पॉइंट पी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इज डिफरेंट, इस दिख रहा नीचे, इज डिफरेंट विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल देयर बिकॉज ऑफ एवरीथिंग देयर आर रीजन, बिकॉज ऑफ एट अ पॉइंट काम करते हैं उसको हटा।
हटा देते हैं यार, नहीं पूरा यहाँ पे इसको हमें काम करते हैं इरेज करके। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दे रहा हूं कि एट पॉइंट पी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट डिफरेंट विच इज नॉट पॉसिबल because of at a point direction of magnetic field is unique, must be magnetic field is unique. Therefore, magnetic field lines are never intersect each other. देखो ये जो हमने लिखा है, अगर आपसे पूछे कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, तो आप ये डायग्राम पहले बनाएंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद ये वाला जो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा हूं ये लिख देंगे आप लोग, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, तो पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल सेम, ये डायग्राम बनाने के बाद आप ये वाला लिख देंगे तो पूरा मार्क्स आपको दे देगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि पॉइंट पी पे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिफरेंट है। देखिए ना, एक आपको इधर दिखा रहा है, एक इधर दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, यूनिक हो सकता है। बिकॉज ऑफ एट अ पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिक, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, यानी कि यूनिक हो सकता है या होता है, यूनिक होता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दैट्स इट, बहुत इजी था, क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जहां पे कट करेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन दे देगा। देखिए टेंजेंट बनाया था, एक इधर दिया एक इधर दे दिया, जब इस लाइन के लिए टेंजेंट बनाया तो इधर दिया, जब इस लाइन के लिए इस पॉइंट पे बनाया तो इधर दिया, तो दो डायरेक्शन दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही होना, यानी यूनिक होना चाहिए। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब लास्ट प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनेंगे। ऐसे तो प्रॉपर्टीज बहुत सारा होता है, बट आपके बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। फोर प्रॉपर्टीज का रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा क्लोज लूप बना, ऑलवेज क्लोज लूप। रिमेंबर, आपका एनसीईआरटी में लिखा है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं बताता इसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो ऑलवेज बनाता है क्लोज लूप। अब बहुत को तो यही नहीं पता है कि लूप क्या होता है। लूप कहने का मतलब, जैसे मान लो कि ये देखो, ये मान लो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ये देखिए क्या बन गया था, क्लोज लूप बन गया। क्या बन गया? क्लोज लूप। ये भी देखिए आपका क्या है, क्लोज लूप है। ये भी क्या है, क्लोज लूप है। यानी कि चारों तरफ से बंद होना चाहिए, कहीं भी खुला नहीं, कहीं भी खिड़की खुला नहीं होना चाहिए, कहीं भी खुला नहीं होना, चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बात समझ रहे ना? ये भी देखिए आपका क्या है, ये भी क्या है, क्लोज लूप है। बात समझ रहे ना?
लूप का मतलब समझे ना, क्लोज लूप किसको बोल रहे हैं हम लोग, गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो लूप बनाता है, कैसा, क्लोज लूप बनाता है। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं कि किस बेसिस पे आप बोले कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, इसका आपको आंसर बताना। ध्यान सुनिएगा, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट, ध्यान से देखिएगा, साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट के बाहर में एक्सटर्नल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है नॉर्थ पोल से निकल के कहां जाता है, साउथ पोल जाता है। यानी कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ पोल की तरफ जाता है। बट इनसाइड मैग्नेट के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरफ। तो देखिए ध्यान से, यहां से निकला नॉर्थ पोल से निकला एंड देन साउथ पोल पर आया, फिर अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल गया। तो देखिए तो ये पूरा क्लोज बना दिया कि नहीं, पूरा बंद बना दिया कि नहीं। एक और ले लो, ये नॉर्थ पोल से निकला यानी कि बाहर में एक्सटर्नली नॉर्थ पोल से निकल रहा है और मैग्नेट इन साइड में साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहा है। देखिए नॉर्थ से गया एंड इन साइड में साउथ से नॉर्थ, देखिए ना पूरा क्लोज बना दिया। आपको बोला कि सर ये वाला दिखाई, तो ये आपका क्या बनेगा, तो दिखा देते हैं। ये बहुत बड़ा है, ये निकला नॉर्थ से, ये घुमा 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 इधर से पूरा घूम फिर के ऐसे आया होगा। तो देखिए ये नॉर्थ से चला साउथ पहुंचा, फिर अंदर में क्या चला गया, साउथ से नॉर्थ चला गया। तो देखिए क्लोज लूप बना दिया कि नहीं। एक और ले सकते हैं आप, यहां से नॉर्थ से निकला साउथ के पास आया, फिर साउथ से नॉर्थ गया अंदर में, देखिए क्लोज लूप बनी। बात समझे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि बाहर में मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जाता है, तो एक कंप्लीट लूप बना देता है। मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ, तो कंप्लीट लूप बना देता है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। इनसाइड द प्लेट, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन जो होता है वो क्या होता है, साउथ टू सॉरी नॉर्थ टू, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। एंड इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। यानी कि सिंपल 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 ये पे भी डायग्राम बना सकते हैं आप, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ से निकला बाहर में आउटसाइड में एंड इनसाइड में गया साउथ से नॉर्थ। देखिए ये क्या बन गया, एक क्लोज लूप बन गया। कैसा बन गया, ये क्लोज लूप। क्लियर होगा, ये चार प्रॉपर्टीज बताए हैं, चार प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ध्यान से आप लोग ये चारों प्रॉपर्टी को समझेंगे अच्छे से, क्लियर, जो भी बताए अच्छे से, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है, इवन पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज लिखो। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पूछे तो सबका सब लिख दीजिएगा जो चार लिखवाए हैं। अगर किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो अच्छी बात है, आपको सारा प्रॉपर्टीज वन बाय अच्छे से समझा दिया हूँ। क्लियर, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। थैंक यू।